अस्सलाम अलैकुम तवाइफ डेजत रोज एक तवाइफ जिसका नाम डेजत रोज था एक दिन उसने भेष बदला मर्दाना लिबास पहना और मस्जिद आ पहुंची मौलाना रोमन की शोरत जब दूर दराज इलाकों तक पहुंची तो लोग मौलाना रूमी रमतुल्ला का वायस सुनने आया करते थे तवाइफ के दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी मौलाना रूमी रहमतल्ला का वायस सुनूं। उसने मर्दाना लिबास पहनकर भेस बदला और मस्जिद जा पहुंची उसी वक्त वो लोगों के हजूम में बैठी ही थी कि एक पुराने गाहक ने उसे पहचान लिया उसने तवाइफ तवाइफ का शोर मचा दिया सारा हजूम आग भगोला होकर उस तवाइफ के पीछे हो लिया वो तवाइफ घबराती हुई मस्जिद से बाहर निकल आई और हुजूम उस पर झपट पड़ा इससे पहले कि वो गज़बनाक हुजूम उस तवाइफ को मार देता पीछे से एक दरवेश नमूदार हुए और जोरदार आवाज़ में कहा कि रुको ठहर जाओ सारा हुजूम ठहर गया सारी नजरें दरवेश पर लग गईं। दरवेश ने कहा कि कितनी शर्म की बात है कि तुम तीस लोग एक बेबस औरत पर हमला आवर हो क्या ये नाइंसाफी नहीं तो हजूम में से किसी ने कहा कि आप नहीं जानते ये एक तवाइफ है भला तवाइफ का मस्जिद में क्या काम इस पर दरवेश ने कहा इसका सिर्फ जुर्म यही है कि ये मस्जिद में आई तो इस पर किसी ने कहा कि ये हमारा ईमान खराब करने आई थी इसने मर्दाना लिबास पहना इसीलिए कि कोई उसे पहचान न सके हुजूम में से आवाज आई के मारो मारो सारे तवाइफ के नारे लगा रहे थे तवाइफ यही सोच रही थी कि आज ये लोग मुझे जिंदा गाड़ देंगे। जब किसी ने ये कहा कि चलो इसे जान से मार देते हैं, तो दरवेश को बहुत गुस्सा आया दरवेश ने कहा कि क्या वाकई तुम लोग इसे जान से मारना चाहते हो या फिर इसे हासिल करना चाहते हो ये कहकर दरवेश ने तवाइफ का हाथ पकड़कर इसे अपने पीछे कर लिया तवाइफ ऐसे दरवेश के पीछे छुप गई जैसे एक सूम बच्ची खतरे को भाप कर अपनी माँ के आंचल में छुप जाती है इसी दौरान हुजूम में से किसी बड़े सरदार ने कहा कि दरवेश तुम इस इलाके में नए आए हो तुम नहीं जानते तुम कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो चुप करके इस तवाइफ को हमारे हवाले कर दो दरवेश कहने लगा क्या तुम लोग वाकई में अल्लाह की इबादत के लिए आए थे अगर तुम लोग वाकई अल्लाह की इबादत में मशगूल थे तो तुम लोगों ने इस औरत को कैसे पहचान लिया क्या इबादत के दौरान कोई दूसरा भी इस कदर अहम हो सकता है की इबादत के दौरान आप इसे तकते रहे इसने भेस बदला तुमने फिर भी पहचान लिया अब इस औरत की जान छोड़ो और इस पर जुल्म न करो बेहतर है की जाकर तुम मौलाना रूमी रहमतुल्लाह का वायस सुनो वो इस काम से ज्यादा बेहतर है इस बात का लोगों के हजूम के पास कोई जवाब नहीं था आहिस्ता आहिस्ता होकर लोगों का हजूम खत्म हो गया जब इस तवाइफ ने देखा कि वो सब लोग चले गए जो उसको मारने के लिए तैयार खड़े हुए थे तो बोली मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आज आपने मेरी जान बचा ली तो दरवेश ने कहा हम सब सिर्फ इस रब के शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा हम किसी के शुक्रगुजार नहीं 800 साल कबल इस हजूम से तवाइफ की जान बचाने वाले कोई और नहीं मौलाना